पैरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन आईपी 250 mg, जिसको कि जर्नली प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी बच्चे को पेन है या फिर फीवर है, उन कंडीशंस के बीच में जो है इस पैरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन को जो है रिकमेंड किया जाता है स्पेशली बच्चों को। तो ये सस्पेंशन जो है जर्नली हेडक को, टूथ हैचिस, फीवर हो या फिर कॉमन कोल्ड हो, तो उन कंडीशंस के बीच में ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो डोज एंड ड्यूरेशन होगी जो कि बच्चों को यूज़ करनी चाहिए इस सस्पेंशन सिरप की, तो वो जो है डिपेंड करता है उस बच्चे की एज कितनी है, उस बच्चे का बॉडी वेट कितना है और साथ में ही इन्फेक्शन किस तरह की है और कहाँ पे इन्फेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है डोसेस जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं और कितने समय तक जो है उनको डोसेस लेनी है। तो ये चीज़ आप लोगों के डॉक्टर ही आप लोगों को जो है बता सकते हैं आप लोगों को चेक करने के बाद। तो इस सस्पेंशन सिरप को यूज़ करने से पहले जो है आप लोग एक बार जो है डॉक्टर को कंसल्ट कर लें और जैसे डॉक्टर जो है आप लोगों को जो है सजेशंस दें तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप लोग जो है एक्ट करें। अगर किसी बच्चे को जो है वोमिटिंग हो जाती हैं इस सिरप को यूज़ करने के बाद विद इन 30 मिनट के अंदर अंदर, तो उनको जो है दोबारा से जो है सस्पेंशन की डोज जो है उसको लेना है। और पैरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन जिसको कि आप लोगों को ओरली ही लेना है और एक फिक्स टाइम के ऊपर लेना है हर दिन, तो इस मेडिसिन को आप लोगों को खाना खाने के बाद जो है यूज़ करना है। आप लोगों को जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई बच्चा जो है पहले से ही किसी दूसरी मेडिसिन को यूज़ कर रहा है और उस मेडिसिन के जो की इंग्रेडिएंट हैं तो उसके बीच में पैरासिटामोल जो है वो प्रेजेंट है, तो उन कंडीशंस के बीच में आप लोगों को इस सस्पेंशन सिरप का यूज़ नहीं करना है। अगर आप लोग जो है इस सस्पेंशन सिरप का यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कोई दूसरी मेडिसिन को आप लोग जो है साथ में यूज़ कर रहे हैं तो उसके बीच में पैरासिटामोल इंग्रेडिएंट जो है उस मेडिसिन के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है पैरासिटामोल की डोसेस जो होगी तो वो इंक्रीज हो जाएगी और उससे जो है आप लोगों को हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है हो जाएगी। उस कंडीशंस के बीच में आप लोगों का लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है। तो कुछ टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं इस मेडिसिन के, जैसे कि इनडाइजेशन होना, स्टोमक पेन होना, नौसिया, वोमिटिंग होना, तो ये कुछ बच्चों में ही जो है देखी जाती है। अगर जो सिम्टम्स जो हैं आप लोगों को लंबे समय तक रहते हैं तो आप लोगों को घबराना नहीं है, डॉक्टर को जल्दी से कंसल्ट करना है। तो इस मेडिसिन को जर्नली सेफ और अफेक्टिव मेडिसिन माना जाता है, लेकिन आप लोगों को जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लोग जो है इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को एक बार डॉक्टर को पूछ लेना है और जैसे डॉक्टर बोलें कितनी डोसेस में आप लोगों को इसको यूज़ करना है, कब तक यूज़ करना है, तो उस शेड्यूल को आप लोगों को सही से जो है फॉलोअप करना है। तो उसके बाद जो है आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी पेन या फिर फीवर को, तो वो सही हो जाएगी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि पहले से ही कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर एलर्जी है मेडिकल कॉम्पोनेंट से, या फिर किसी को बर्थ डिफेक्ट है, या फिर किसी का लीवर इम्प्योरमेंट है, या फिर किडनी डिसफंक्शन है, तो उन कंडीशंस के बीच में आप लोगों को डॉक्टर को पूछ के ही जो है इस मेडिसिन का यूज़ करना है। आप लोगों की कंडीशन को डॉक्टर जो है चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो है डॉक्टर बताएंगे कि इसकी डोसेज आप लोगों को कितनी लेनी चाहिए और कितने समय तक जो है आप लोगों को इस मेडिसिन को यूज़ करना है। तो ये मेडिसिन जो है जर्नली पेन रिलीफ या फिर फीवर को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। पैरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन जो कि एक कॉमनली पेन किलर है और इसको एचिस को और पेन्स को जो ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैरासिटामोल जो है जर्नली ब्लॉक कर देता है केमिकल मैसेंजर्स को जो कि हमारे ब्रेन्स के बीच में होते हैं, जो कि हम लोगों को बताते हैं कि पेन हो रही है कहीं पे, तो उन मैसेंजर को जो है ब्लॉक कर देते हैं जे पैरासिटामोल। तो जे पैरासिटामोल पेडियाट्रिक सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होता है पेन से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। जर्नली जैसे कि हेडेक आ गया, मिग्रेन, नर्व पेन, टूथ हैचिस, स्वर थोरेट, या फिर
पीरियड्स में भी जो मेंस्ट्रुअल पेन होती है तो उस दौरान भी जो है आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर को पूछ के ही यूज़ करना। एथ्रेटाइसिस पेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, मसल एचिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसन को जो है आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा कम रेयर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं देखे जाते हैं, और अगर आप लोग जो है सही डोसेज में जो है इन मेडिसन का यूज़ करते हैं तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डिसअपियर्ड हो जाएंगे। अगर आप लोग जो है इस मेडिसिन के बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप लोगों को जो है सही से जो है डोसेस लेनी है और प्रॉपर वे से जो है इसको यूज़ करना है। पैरासिटामोल पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन जो है, जे हाई टेम्परेचर अगर किसी का हो जाए, फीवर हो जाए किसी को, तो उन कंडीशंस के बीच में भी आप लोगों को सही करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी पैरासिटामोल जो है ये एक तरह से ब्लॉक कर देता है केमिकल मैसेंजर्स को जो कि फीवर को कॉज करते हैं। जब कभी भी आप लोग जो है इस मेडिसिन को यूज़ करें तो इसकी बॉटल को अच्छे से शेक कर लें, और इसके बीच में आप लोगों को मेजरिंग कैप भी मिलेगी, उसकी मदद से आप लोग जो है मेजर भी कर सकते हैं। जितनी डोसेज आप लोगों के डॉक्टर ने आप लोगों को रिकमेंड की हैं तो उतनी ही डोसेज आप लोग जो है मेजरिंग कैप की मदद से जो है मेजर कर सकते हैं और माउथ के थ्रू जो है कंज्यूम कर सकते हैं इस मेडिसन को। कभी भी आप लोगों को जो है इस मेडिसन की डबल डोसेज जो है नहीं लेनी है। अगर किसी की बाई चांस किसी को भूल जाता है डोसेज लेना, तो जब भी उसको याद आए तो उसी टाइम जो है उसको कंज्यूम कर लेनी चाहिए डोसेज। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों को लेट याद आता है कि मुझे जो है डोसेज लेनी थी और मिस हो चुकी है, तो उन कंडीशंस के बीच में अगर नेक्स्ट डोसेज जो है आप लोगों की लेने का टाइम हो चुका है तो उस दौरान आप लोगों को मिक्स्ड डोज को जो है स्किप कर देना है। आप लोगों को हर समय जो है डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और तभी आप लोगों को जो है इस मेडिसिन के जो है बेटर रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। इस मेडिसिन की कितनी डोसेज जो है कितनी एज के बच्चे को जो है देनी चाहिए, तो वो जो है उसकी एज के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करके ही जो है इसको यूज़ करना है, और जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट को एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी को जो है डिसकम्फर्टनेस जैसी महसूस होती है तो आप लोगों को डॉक्टर को पूछना है। इस मेडिसिन को आप लोगों को कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करके रखना है और सनलाइट से दूर रखना है। मेडिसिन को आप लोगों को बच्चों से भी दूर रखना है, और डेली आप लोगों को जो है पैरासिटामोल की डोज को लेना है। अगर कोई भी पर्सन जो है ज़्यादा डोसेज जो है ले लेता है पैरासिटामोल की डेली, तो उसे जो है उसका लीवर डैमेज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं, उसका फेस जो है वो स्वेलो अप हो सकता है, माउथ और थोरैट में प्रॉब्लम हो सकती है, डिफ़िकल्टी हो सकती है उसको ब्रीथिंग में, ईचिंग हो सकती है और रैशेस आ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है सही डोसेज में ही जो है पैरासिटामोल को जो है यूज़ करना है डेली।